नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हो बागेश्वर धाम, हर हर महादेव, जय जय हनुमान, जय सियाराम। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आप सभी के लिए बेहद ही खास और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आती हूँ। अगर आपको धन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप सभी के लिए उस पर वीडियो ला करके जरूर दूंगी। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज का दिन 10 जून महा शनिवार है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं धन पाने के लिए, तो आपकी यह उपाय जरूर सफल होगी। दोस्तों, हम सभी को पता है, शनिवार के दिन हम लोग पीपल के पेड़ का पूजा करते हैं। बहुत व्यक्ति सूर्य उगने के पहले और बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा सूर्य उगने के बाद किया जाता है। दोस्तों, आप सभी को यह भी पता है कि पीपल के पेड़ में विष्णु देव का वास होता है। कहा जाता है कि अगर आप पीपल का पेड़ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यानी कि आप विष्णु देव का पूजा कर रही हैं। इससे आपको पीपल के पेड़ का पूजा का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको विष्णु देव का भी आशीर्वाद सदैव मिलेगा। दोस्तों, हम लोग वैसे तो शनिवार के ही दिन पीपल का पूजा करते हैं, लेकिन बहुत घरों में रोज पीपल के पेड़ में जल दिया जाता है, जो कि आप सभी के लिए बेहद ही खास और शुभ होता है। दोस्तों, हम सभी को पता है, माँ लक्ष्मी को घर लाने के लिए हम लोग अनेक उपाय करते हैं, बहुत सारे टोटके करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, घर में माता रानी का पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से हमारे घर में धन नहीं आती है, यानी कि माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। जब भी हम लोग माता रानी को पूजा करते हैं तो हम लोग यही अपनी मन में चाह रखते हैं कि माता रानी हमारे घर आए और हमारे भी घर में धन और दौलत की जितनी भी समस्या है वह दूर हो और धन और दौलत से घर भर जाए। आज का उपाय आप सभी के लिए बेहद ही सरल होने वाला है। कैसे हम लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम लोग कौन सा उपाय करें, क्या करें जिससे कि माता रानी हमारे घर में भी आ जाए। दोस्तों, वैसे तो आप पीपल के पेड़ में नियम के अनुसार जाती हैं, पूजा पाठ करके घर आ जाती हैं, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पीपल के पेड़ में सुबह उठ के स्नान करके पूजा करने के लिए जाती हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं कि पीपल के पेड़ में अगर आप पीला, लाल या उजला रंग का पुष्प चढ़ाती हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसी तरीका से दोस्तों, अगर आप पीपल के पेड़ में पूजा करती हैं, नित्य दिन जल देती हैं, यानी कि आपके घर में कहीं पीपल का पेड़ है और आपके आसपास मंदिर नहीं है जिससे कि आप घर में ही पूजा पाठ करती हैं, तो आप नित्य दिन पीपल के पेड़ में जल दे सकती हैं। जैसे कि आप तुलसी के पौधा का पूजा करती हैं, फूल, चंदन, टीका सब कुछ चढ़ा के दिया बाती, लेकिन आपको पीपल के पेड़ में सिर्फ और सिर्फ जल ही देना है। शनिवार के दिन आप जल, फूल, अगरबत्ती, चंदन, टीका सब कर सकती हैं, लेकिन अन्य दिन आप मात्र पीपल के पेड़ में जल दीजिएगा। दोस्तों, हम सभी को पता है, काला तिल हमारे लिए बेहद ही खास होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग है, यानी कि अगर वो शारीरिक रोग से परेशान है, तो अगर काला तिल का उस व्यक्ति के द्वारा दान किया जाए तो इससे भी उसकी सारी समस्या दूर हो जाती है। अगर दोस्तों आप सभी को पता है कि काला तिल कहीं पर भी दान करते हैं मंदिर में, तो आपको उससे लाभ ही प्राप्त होता है। शनिवार के दिन काला तिल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन काला तिल पीपल के पेड़ में चढ़ाने का एक अपना नियम होता है। इसके लिए आप सभी को थोड़ा सा काला तिल लेना है। आपके पास काला तिल अगर नहीं है तो आप इसके जगह उजला तिल भी ले सकती हैं, लेकिन ज़्यादा फायदा आपको काला तिल चढ़ाने से ही होता है। शनिवार के दिन अगर आप शनि मंदिर में जाकर के काला तिल शनिदेव को चढ़ाती हैं, तो इससे भी आपकी जो भी मन में समस्या है, आपके घर में समस्या है, वह भी दूर
हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप काला तिल का तेल का दिया शनिवार के दिन शिव शनि मंदिर में जा करके चढ़ाती हैं तो इससे भी आपको लाभ होने वाला है। काला तिल को आपके अपने पूजे वाले लोटे में डाल देना है और आपको तब पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। ध्यान रहे कि आप जब भी पीपल के पेड़ में काला तिल का जल चढ़ाती हैं तो आपके मन में जो भी मनोकामनाएं हैं उसे बोल करके एक बार काला तिल का जल चढ़ाइएगा, फिर से बोल करके एक बार और जल चढ़ाना है। इस तरीका से करके आपको 11 बार अपने मन की बात को बोलना है और उसके बाद काला तिल का तेल आपको जल चढ़ाना है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपको नौकरी पाना है, नौकरी की समस्या है, नौकरी में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप शनिवार के दिन जल में काला तिल डाल करके अपनी मन की समस्या को बोल करके आप चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपकी जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपकी परेशानियां दूर होने के साथ साथ आपको नौकरी या आपकी जो भी समस्या खत्म होंगी उसमें वृद्धि प्राप्त होगा। इस तरीका से आप शनिवार के दिन, प्रत्येक शनिवार के दिन तिल का जल पीपल के पेड़ में जरूर चढ़ाइएगा। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है या मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में ही पीपल का नाम लेकर के खेत या किसी भी पेड़ पौधा में जल जरूर चढ़ाइएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको शनिवार के दिन तिल का तेल का आपको दिया भी जरूर जलाना है। माना जाता है कि ऐसे हम लोग नित्य दिन जो पूजा पाठ करते हैं उसमें सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको विशेष रूप से काला तिल के तेल का प्रयोग शनिवार को करना ही करना चाहिए। अगर आप शनि मंदिर जाती हैं तो वहाँ पर जा करके तिल के तेल में दिया जरूर जलाइएगा। साथ ही साथ पीपल के पेड़ में भी आपको तिल के तेल का दिया जलाना है। अगर आपके पास संभव हो तो आप 2 दिया जरूर जलाएं। वैसे तो आप नियम के अनुसार 5, 7, 11 जितना भी दिया जला सकती हैं जला सकती हैं, लेकिन आप नियम के अनुसार 1 और 2 तिल का तेल का दिया जरूर जलाइएगा। इस तरीका से आपको दिया जलाना है और उस दिया के नीचे आपको थोड़ा सा चावल रखना है। दोस्तों आप कभी भी दिया अगर मंदिर में जा कर के जलाते हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा चावल रखना मत भूलिएगा। ऐसे में आपका कहीं ना कहीं दिया जलाया हुआ अधूरा ही रह जाता है। पीपल के पेड़ में आप जा कर के पहले जल दे दीजिएगा, टीका, चंदन, फूल, अगरबत्ती जला करके। अंत में जब आप घर आने लगते हैं तो उस दिया को वहाँ रख करके जो भी आपकी मनोकामनाएँ हैं उसे बोलिएगा। साथ ही साथ आपको तिल का जो पानी है, जो जल है, उसे घर में ला करके अपने घर के चारों कोनों में छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से आपके घर की जो भी समस्या है वह दूर भाग जाएंगी और आपके घर में हमेशा सफलता की उन्नति होगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ऐसा नियम 11 शनिवार तक करती हैं तो इससे आपको बहुत ही जल्द लाभ प्राप्त जरूर होगा। और इस तरीका से आप शनिवार के दिन शनि चालीसा का जो भी व्यक्ति पाठ करते हैं उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। इसी तरीका से दोस्तों आप शनिवार के दिन पूजा कीजिएगा, पीपल के पेड़ में जो भी आपकी गलती क्षमा है माफ़ी मांगिएगा। इस तरीका से पूजा पाठ करने से आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होंगी। उम्मीद करूंगी दोस्तों बताया हुआ पूजा का उपाय पसंद आया होगा। पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।